नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नटेरन, भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्टर के नाम नायाब तहसीलदार नियति साहू को सौंपा ज्ञापन। जानकारी के अनुसार नटेरन क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन व उड़द की फसल में रोग लगने के कारण सोयाबीन व उड़द की फसल पीली पड़ने से नष्ट होने की कगार पर है। इस संबंध में मंगलवार को भारतीय किसान संघ द्वारा शीघ्र सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम नायाब तहसीलदार नियति साहू को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ तहसीलदार अध्यक्ष बालमुकुंद तिवारी ने बताया कि नटेरन क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन व उड़द की फसल में कई प्रकार के रोग लगने से फसल नष्ट होने की कगार पर है, जिससे क्षेत्र के किसान चिंतित हैं। साथ ही बताया कि तहसील नटेरन में किसानों को सिंचाई प्रमाण पत्र लेने में बड़ी परेशानी आने लगी है, इसको सरल किया जाए एवं 2019 में खरीफ फसल अतिवृष्टि के कारण फसल को नुकसान हुआ था। हमारी मांग है कि 2019 खरीफ का बीमा क्लेम शीघ्र किसानों के खाते में जमा कराया जाए। साथ ही कहा कि भारतीय किसान संघ मांग करता है कि शीघ्र अति शीघ्र किसानों की समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं किसान संघ मीडिया प्रभारी यशपाल रघुवंशी ने बताया कि नटेरन तहसील के ज्यादातर किसानों की सोयाबीन उड़द की फसल बर्बादी की कगार पर है। 50% किसानों ने तो अपनी फसल की जुताई ही कर दी है और अब बची हुई फसल में एक ऐसा रोग लगा है जिससे फसल समय से पहले ही सूखने लगी है, जिस कारण किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है। किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान आसपास के ग्रामों से आए कई किसान मौजूद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंद तिवारी, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष जी, आज के संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया गया है। आज जो है भारतीय किसान संघ ने सोयाबीन और उड़द में जो पीला मोजिक रोग लगा है उसकी वजह से उड़द और सोयाबीन सूख रहे हैं। पूरी तहसील में ऐसा कोई गांव ऐसा हल्का या कोई खेत नहीं बचा जिसमें सोयाबीन ठीक ठाक हो या उड़द ठीक ठाक हो, सब नष्ट हो गया। तो शासन प्रशासन से हमारा आज ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि सर्वे कराकर शीघ्र शीघ्र किसानों को मुआवजा राशि दिलाई जाए। भारतीय किसान संघ ने आज ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी सर्वे ना हुआ तो भारतीय किसान संघ आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। खबर समय जगत के लिए नटेरन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।